हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डे टू डे अपडेट बाय डॉक्टर अंकिता सिंह चकोटिया। आज हम बात करने वाले हैं सीड जर्मिनेशन की। सीड जर्मिनेशन, इफ वी टॉक अबाउट द लाइफ ऑफ अ प्लांट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ टाइनी सीड, है ना, एंड दैट टाइनी सीड इंटरनली कंसिस्ट व्हाट एन स्मॉल एम्ब्रियो। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी कि कैसे सीड जर्मिनेशन होता है, अल्टीमेटली हमें एक छोटा सा प्लांट मिलता है। जो पहली प्राइमरी रिक्वायरमेंट है सीड जर्मिनेशन की जर्नी की, वो है सबसे पहले वाटर। सीड तो है ही ऑफ कोर्स, लेकिन सीड को भी ना पानी की जरूरत होती है। तो आपने ऐसे पानी में उसको मॉइस्चर प्रोवाइड किया, पानी प्रोवाइड किया, एंड नेक्स्ट टू दिस, जैसे ही आप पानी कांटेक्ट में आते हैं, सीड इम्बाइबिशन प्रोसेस एक शुरू होती है। इम्बाइबिशन इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन, जिसमें कि क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है थ्रू द सीड कोट, थ्रू द माइक्रोपाइल। ये देखिए, आप बड़े प्यार से एक स्केयर टाइप का देख सकते हैं अपने कोई भी सीड में, वहां पे ऐसे एक पॉइंट टाइप का आपको दिखेगा उस स्केयर के पास, उसके स्केयर के बीच में ही। तो वो माइक्रोपाइल होता है, असल में वो एक छेद होता है जिसके थ्रू आपका पानी वगैरह अंदर जाता है, और सीड कोट के थ्रू भी एब्जॉर्ब होता है पानी। ठीक है, नेक्स्ट इम्बाइबिशन द सीड कोट गेट स्वेल्ड अप एंड सॉफ्टनिंग भी हो जाती है इसकी। ड्यू टू दिस देयर वी कैन सी अ मैसिव इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सीड। नाउ क्योंकि अब पानी पहुंच चुका है, तो जो डोमेंट कंडीशन में थी सीड की अवस्था, वो रिजम्पशन ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी एनारोबिकली विल स्टार्ट। जैसे ही पानी अंदर गया, पानी क्या है, H2O, ऑक्सीजन भी अब मिलना शुरू हुआ है, तो लेटर इट स्टार्ट्स इन एरोबिक पाथवे। ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी थी, अब वो एरोबिकली भी स्टार्ट हो जाती है। वेरी गुड। नाउ अब पानी मिलना शुरू हो गया है, पानी अकेले से तो नहीं एम्ब्रियो ग्रो करेगा जो इसके अंदर है, है ना। ये छोटू सा ग्रीन कलर का एम्ब्रियो जो है, वो पानी से ही नहीं डेवलप होगा, उसको न्यूट्रिशन भी चाहिए। तो उसके लिए फिर क्या शुरू होता है, डाइजेशन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, जो कि एंडोस्पर्म या कॉटिलेडन में के थ्रू ग्रोइंग एम्ब्रियो को मिलता है। नेक्स्ट, सीड कोट जैसे जैसे अब साइज क्या है, बढ़ता जा रहा है ना, एम्ब्रियो भी क्योंकि डेवलप हो रहा है, फूड मिल रहा है, पानी मिल रहा है, तो वो डेवलप होता जा रहा है। तो सीड कोट फाइनली गेट रप्चर्स, एंड थ्रू दिस माइक्रोपाइल एक छोटा सा टाइनी रूट, इनिशियल रूट निकल के आता है रेडिकल पॉइंट से, एंड अल्टीमेटली रूट एनलार्जमेंट हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि रूट को तो सबसे पहले, रूट इज द ऑर्गन जो कि सॉइल में अपनी पकड़ बनाती है, एंड सॉइल से फिर न्यूट्रिशन लेती रहती है, क्योंकि जो इसके अंदर एंडोस्पर्म एंड कॉटिलेडन में इतना भी न्यूट्रिशन नहीं होता कि वो पूरे एक सीडलिंग बना दें, छोटा सा प्लांट बना दें। तो इसलिए रूट को निकल के सॉइल से अब न्यूट्रिशन चाहिए होता है। उसने जैसे ही अपनी पकड़ बनाता है और मोर एंड मोर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना शुरू करता है, अल्टीमेटली इवेंचुअली प्लूम्यूल ग्रो करता है एंड पुल द सीडलिंग आउटसाइड, एंड फाइनली क्या होगा, आपको एक छोटा सा टाइनी सी बेबी प्लांट देखने को मिलता है, एंड दिस बेबी प्लांट इज कॉल्ड अ सीडलिंग। सो दिस इज द जर्नी ऑफ सीड जर्मिनेशन फ्रॉम अ टाइनी सीड टू अ बेबी प्लांट। सो आई होप ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।